मध्य प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पूर्व सांसद विधायक सुंदरलाल तिवारी का 61 वर्ष की उम्र में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में निधन हो गया। श्री तिवारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के छोटे पुत्र थे। विंध्य में कांग्रेस को एक ऐसी क्षति हुई है जिसकी भरपाई निकट भविष्य में होना काफी मुश्किल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के पुत्र सुंदर लाल की, जिनका सोमवार को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्री तिवारी रोज की तरह सुबह उठकर टहलने के लिए गए। टहलकर लौटने पर घर के बाहर बैठकर अखबार पढ़ने लगे। इसी दौरान उन्होंने सीने में तेज दर्द की शिकायत की। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। हम आपको बता दें, श्री तिवारी ने बचपन से ही राजनीति का ककहरा पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। पिता विंध्य के ही नहीं प्रदेश के जाने माने नेता थे। घर पर नेताओं का आना जाना लगा रहता था। राजनीतिक जीवन की शुरुआत आपने जनपद अध्यक्ष के रूप में की, बाद में वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सहित लोकसभा और विधानसभा में भी नजर आए। आप 1999 में रीवा लोकसभा से सांसद चुने गए, वहीं 2013 में गुड़ विधानसभा से विधायक चुने गए। श्री तिवारी अभी हाल ही में गुड़ विधानसभा से विधायक का चुनाव हार गए थे। उन्हें हाल ही में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक गंभीर उम्मीदवार माना जा रहा था। हम आपको बता दें, सुंदरलाल तिवारी की प्रारंभिक शिक्षा रीवा के सैनिक स्कूल में हुई। कॉलेज की शिक्षा रीवा साइंस कॉलेज में हुई। बीएससी करने के बाद टीआरएस कॉलेज से एलएलबी करने के बाद आपने वकालत का पेशा अपनाया, लेकिन राजनीति खून में होने की वजह से वह इससे अछूते नहीं रह सके। छोटे से गांव तिवनी से होते हुए भोपाल और दिल्ली तक का सफर कर डाला। हम आपको यह भी बता दें, श्री तिवारी की पत्नी शिक्षक हैं, उनके एक पुत्र व एक पुत्री सहित भरा पूरा परिवार है। सबके लिए बहुत ही दुखद समाचार पूरे रीवा और विजय के लिए है, क्योंकि वरिष्ठ नेता थे और अचानक इतनी जल्दी दुनिया से चले जाएंगे, किसी को भरोसा नहीं था। अभी भी किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। सुबह मॉर्निंग वॉक करने गए थे, बता रहे हैं लोग, लौट के आए और बैठे हुए थे और अचानक हार्ट अटैक हुआ और वो अब हमारे बीच में नहीं है। कांग्रेस पार्टी के विंध्य के वरिष्ठ नेताओं में से एक आदरणीय सुंदरलाल तिवारी जी थे। निश्चित रूप से विंध्य की राजनीति को एक बड़ा धक्का लगा है और जो रिक्तता आई है आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी के बाद, उनके राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने का काम आदरणीय सुंदरलाल तिवारी जी कर रहे थे। निश्चित रूप से विंध्य को एक बड़ी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई करना आने वाले समय में आसान नहीं होगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष पूर्व सांसद विधायक के मौत की खबर पाकर रीवा शहर के तमाम नेताओं का अस्पताल व घर में तांता लगा रहा। जैसे पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, विधायक गिरीश गौतम, नागेंद्र सिंह, महापौर ममता गुप्ता सहित कांग्रेस उपाध्यक्ष पुष्पराज सिंह समेत तमाम नेता उपस्थित रहे। हम आपको बता दें, श्री तिवारी का अंतिम संस्कार उनके गृहग्राम तिवनी में होगा, जिसमें प्रदेश के मुखिया कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह राहुल, प्रभारी मंत्री लखन घनघोरिया जैसे तमाम नेता मौजूद रहेंगे। नहीं, से निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति हुई है और एक अच्छे वक्ता थे, स्पष्टवादी थे और जनता के बीच में जो कहते थे हमेशा स्पष्ट बातें कहते थे, इसकी उनकी आदत रही है और हमेशा जनता के लिए सक्रियता से वो काम करते रहे, उनकी समस्याओं के लिए लड़ते संघर्ष कर रहे हैं करते रहे। विधानसभा लोकसभा में भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा। हर मुद्दे को जो जनता से जुड़े हुए थे, उन मुद्दों को उन्होंने समय समय पर उठाया। निश्चित रूप से उनके निधन से एक अपूर्णीय क्षति हुई है और उसकी भरपाई होना जल्दी संभव नहीं है। हम सब दुखी हैं, पूरा प्रदेश दुखी है और पूरे इस विचारधारा के लोग माने कायल हैं। हम सब जो है उनकी मृत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके घर को और हम सबको ये दारुण दुख सहन करने की भगवान क्षमता दे और उनको जो लड़ने की संघर्ष करने की जो क्षमता रही है
उससे हम सब प्रेरणा लेकर के इस राष्ट्रवादिता की विचारधारा के आधार पर, उनकी विचारधारा के आधार पर हम लोग आगे बढ़े। एक बहुत बड़ा आघात सबको लगा है, वो एक सक्रिय राजनीतिक कर्मी थे, समाज के लिए, जिले के लिए विकास का वो तत्पर रहते थे, और एक ये पीढ़ी, हम लोगों की पीढ़ी थी, उनमें पहले इस तरह के राजनीतिक हैं जो हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मृत्यु से जोड़ करके हम नहीं देख सकते, समाज के उस हिस्से को देखना पड़ेगा जिसके लिए हमेशा वो तत्पर रहते थे, उसके लिए सहायता के लिए, उसके लिए संघर्ष के लिए, उसका बड़ा नुकसान हुआ है और शायद इससे केंद्र की भरपाई संभव नहीं है। और आज भारत की राजनीति में बड़ा दुखद दिन रहा, अपने बीच में पूर्व सांसद सुंदरलाल तिवारी नहीं रहे, हम सब उनकी मृत्यु से बहुत ही दुखित हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को भगवान संबल प्रदान करे। और कहीं ना कहीं बिंद ने एक अपना जन नेता खो दिया है, हम पूरे मनोयोग से उनको श्रद्धांजलि देते हैं।